दीयू भारत के सबसे दर्शनीय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर गोवा के अलावा दीयू भी एक ऐसी जगह है जहां पर पुर्तगालियों ने 400 साल तक राज किया और जिनका प्रभाव यहां की इमारतों और गलियों में आज भी देखा जा सकता है। इन्हीं इमारतों में से प्रमुख है दीयू किला, जो एक जमाने में उनकी शान हुआ करती थी और जिसके बारे में आज भी बहुत लोग नहीं जानते। फोर्ट मार्ग पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मुख्यालय के निकट मौजूद दीयू किला वास्तुकला के नजरिए से एक शानदार इमारत है। खंबात की खाड़ी से घिरे इस किले में तीन द्वार हैं। यहां कई तोपें और गोले हैं जिनका इस्तेमाल पुर्तगाली किया करते थे। इसके एक छोर पर पुर्तगालियों द्वारा निर्मित एक लाइट हाउस है। बालू पत्थर से निर्मित अंदरी और बाहरी दरवाजे के बीच एक चौड़ी खाई है। ये किला पुर्तगालियों के भारतीय उपनिवेशों में उत्थान और पतन का गवाह है। आइए आपको इसके सफर पर ले चलते हैं। प्राचीन काल के दौरान दीयू मौर्य और चालुक्य शासकों के हाथ से गुजरा, मगर इसकी सामरिक महत्वता 15वीं शताब्दी में गुजरात सल्तनत के शुरुआत के साथ बढ़ी। इसके कारण दीयू पश्चिमी तट पर एक नौसैनिक और व्यापारिक केंद्र के तौर पर उभरा, जिससे गुजरात के सुल्तान लाल सागर, मिस्र और मलक्का के बीच के व्यापार में सक्रिय हुए। दीयू को प्राकृतिक कारणों की वजह से बहुत लाभ हुआ। मुख्य भूमि से एक जलग्रीव द्वारा अलग हुआ दीयू हर प्रकार के नाव और जहाज को पनाह देता था। यहां तैनात एक छोटा नौसैनिक बेड़ा समुद्री आवाजाही पर नियंत्रण रखता था। पारसी समुदाय के इतिहास में दीयू का भी जिक्र है। 8वीं शताब्दी में जब ईरान की ससेनियन साम्राज्य का पतन हुआ, तब पारसियों ने भारत में सबसे पहले दीयू का रुख किया। दंतकथाओं के अनुसार यह समुदाय यहां करीब 19 साल रहा, जिसके बाद वो गुजरात के संजान में आकर बसे। मगर 16वीं शताब्दी तक जब पुर्तगालियों ने भारत जाने के लिए एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज की, तब वो अरब और रोमन लोगों द्वारा संचालित व्यापारिक मार्ग पर अपना हक जमा कर एक प्रभावशाली ताकत की हैसियत से उभरे, जिससे भारत के रोम और मिस्र से संबंधों में दरार आने लगी थी। पुर्तगालियों के इस प्रभाव को रोकने के लिए गुजरात, कालीकट और मिस्र के शासक एकजुट हुए और इनको तुर्की और रोम से सैन्य समर्थन मिला। हालांकि पुर्तगाली तो जीत गए, मगर दीयू पर कब्जा जमाना उनकी पहुंच से लगभग 3 दशकों तक दूर रहा। कई नाकाम कोशिशों के बाद पुर्तगालियों की किस्मत तब चमकी जब तत्कालीन गुजरात सुल्तान बहादुर शाह ने मुगलों के बढ़ते खतरे से निजात पाने के लिए सन 1534 में उनके साथ बसियों की संधि की। इसमें एक शर्त ये थी कि बदले में पुर्तगालियों को एक किले के निर्माण की इजाजत दी जाए, और यहीं से दीयू किले के बीज बोए गए। मगर जब मुगलों का कहर हल्का हुआ, तब पछतावे होने पर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से दीयू वापस लेने की कोशिश की। बातचीत के दौरान बहादुर शाह की समंदर में डूबकर मौत हुई। बाद में दीयू पर पुर्तगालियों का हक जमा रहा और सन 1545 तक किले को मजबूत बनाया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में दीयू किले की रूपरेखा अलग है, क्योंकि इसका आकार असाधारण है और इसका निर्माण दांतेदार तट के करीब रखने की हैसियत से किया गया था। पुर्तगालियों के गढ़ बनने के बाद दीयू किला कई जंगों का गवाह रहा। सन 1538 में पुर्तगालियों को शिकस्त देने के लिए तुर्की और गुजरात के सुल्तानों ने
एक बार फिर हाथ मिलाया, जिसमें तुर्कों ने लगभग एक महीने तक दियू किले पर बमबारी की। मगर गोवा से आई सैन्य सहायता के बूते पर न सिर्फ पुर्तगालियों ने देशज शत्रुओं को हराया, बल्कि उनके विस्तार करने की ताकत को भी कमजोर किया। सन 1545 में दियू किले के निकट ही पुर्तगालियों का सामना बहादुर शाह के वारिस महमूद शाह तृतीय से हुआ, जिसमें महमूद शाह की हार हुई। इसके ठीक एक शताब्दी के बाद ओमान के मस्कट से लुटेरों का एक जत्था आया और किले के साथ साथ शहर पर भी हमला किया। फिर उनको हराने के बाद किले की बहुत मरम्मत की गई। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी दमन और गोवा के साथ साथ दीव भी पुर्तगालियों के अधीन था। दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने इन इलाकों को आजाद कराने की मुहिम चालू की, जहां उन्होंने 48 घंटे तक यहां पर हर तरह के हमले किए। वहीं दीव किला भी जंगों के आखिरी पड़ाव पर तब आया, जहां पर तैनात 350 पुर्तगाली सैनिक भारतीय सैनिकों के सामने फीके पड़ गए थे और इस किले में गोलाबारी भी की गई थी। आखिरकार 19 दिसंबर 1961 को दमन और गोवा के साथ दीव भी भारत का हिस्सा बना। बहुत लोग ये नहीं जानते कि दीव किला दुनिया में पुर्तगाली मूल के 7 अजूबों में गिना जाता है। सन 2009 में पुर्तगाल के सांस्कृतिक मंत्रालय के एक मुहिम के तहत पुर्तगाली विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 इमारतों का चयन किया, जिसमें भारत से गोवा के बसिलिका ऑफ बॉम जीसस के साथ साथ दीव किला भी शामिल हुआ। इनका चुनाव इनकी खूबसूरती, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्वता के बूते पर हुआ। जब स्वतंत्रता के बाद दीव केंद्रीय शासित प्रदेश बना, तब दीव किला भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आया, जिन्होंने इसकी खोई गरिमा वापस लाने के लिए बहुत काम किया। किले के अंदर 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच निर्मित चर्च में से आज सिर्फ सेंट पॉल चर्च सक्रिय है। वहीं सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च एक अस्पताल और सेंट थॉमस चर्च एक संग्रहालय है। दीव किला आज पश्चिमी तट पर मौजूद उन दर्शनीय जगहों में मौजूद है जो पुर्तगालियों के स्थापत्य और सैन्य कुशलता को दर्शाता है।